प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जनप्रतिनिधि लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। इसी कड़ी में खरगोन जिले में भ्रमण के दौरान कैबिनेट मंत्री मंडलेश्वर और महेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड केयर सेंटर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का अवलोकन किया और समीक्षा बैठक कर जरूरी निर्देश भी दिए। देखिए ये खास रिपोर्ट। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मंत्री हरदीप सिंह डंग मोर्चा संभाले हुए हैं। उन्होंने मंडलेश्वर और महेश्वर में कोविड केयर सेंटर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। यहां मरीजों को दी जा रही सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया, वहीं व्याप्त समस्याओं को भी सुना। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की, जिसमें उन्होंने कई जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए, साथ ही समस्याओं को दूर करने का आश्वासन भी दिया। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग की माने तो कोविड केयर सेंटर में जो समस्या सामने आ रही है उसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने जनता से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। रामेश्वर में कोविड सेंटर जो खुला गया है, इसमें आज 40-42 जो पेशेंट हैं उनकी लगातार जाँच, उनकी सुविधाएँ जो देना चाहिए वो मिल रही है, और लगातार जो घूम के देखा है जो समस्याएं सामने आ रही है उसको हम कैसे पूर्ति कर सकें, इसके प्रयास पूरे किए जा रहे हैं। और मेरा मानना है कि दो बातें होती है, एक तो जो पेशेंट है उसको ठीक करके पहुंचाना, और जो सही व्यक्ति हैं उनको कोरोना ना हो उसके लिए भी हमें उपाय की देखने हैं। और मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ, मास्क लगाएँ, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, पर उसके साथ साथ वैक्सीन जरूर लगवाएं। और जो वैक्सीनेशन जो होता है, अगर जो वैक्सीन जिसके लग जाती है 99%, अगर उसको कभी कोरोना भी हो गया तो 99% उसको उससे आगे जो गंभीर रिजल्ट आ रहा है वो उससे बच जाएगा। और वैक्सीन लगने से एक तो डर कम होगा, और जो आपकी स्वस्थ है वो आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा, आपके माता पिता भी स्वस्थ रहेंगे। और कहीं वैक्सीन नहीं लगता है तो आप अपने परिवार के भी साथ गलत कर रहे हैं, गांव के साथ गलत कर रहे हैं, और देश के साथ भी गलत कर रहे हैं। सर, कोविड इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। कोविड केयर सेंटर पर कमियां क्या क्या पाई गई? कमियां कुछ कमियां तो जो मेरे पास में आई है, नोट करी है, उसको हम आने वाले दिनों में जल्दी से उसको उन जो दूर करेंगे। और कमियाँ तो लगातार जो पेशेंट आगे बढ़ रहे हैं, जो संख्या बढ़ रही है, तो जो सुविधा है वो थोड़ी कमी आती है, पर उसको हम जल्दी से दूर करेंगे। देखा जाए तो कैबिनेट मंत्री खरगोन जिले में व्याप्त कमियों को दूर करने में लगे हैं, ताकि कोविड मरीजों को कोई परेशानी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, महेश्वर।